हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह सुबह जैसे ही मैं कौशेड में आई हूँ तो हमारी लालिमा प्रेग्नेंट थी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बच्चा एकदम उसी टाइम हुआ ही था। और ये देखिए, हमारी हेलो, छोटी सी क्या हुआ? अच्छा, बछिया हुई है इस बार। पहली बार हमारे घर में बच्ची हुई है। और ये देखिए कितनी प्यारी है। इसकी आईज ब्लू दिख रही है। नहीं, नहीं लालिमा, कुछ नहीं करते हैं हम नहीं कर रहे उसको इधर। कुछ। तो इसके मुंह में मैं ये बांध देती हूँ ताकि ये जेर ना खाए। लालिमा आज, और बस बस नहीं, अभी नाचेगी ये। वो खारिश कर तो इसके घर में। अभी इसको बच्चा चाहिए कि मेरे मुंह के पास रखो, पीछे बच के। रस्सी लंबी है इसकी। अरे अब छोटा नहीं करने दे रही है भाई। फाइनली ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया? लालिमा थोड़ी देर में खाएगा मेरा लालिमा। तो दोस्तों मैंने इसके मुंह में ये बांध लिया है, नहीं तो ये जेर खा लेगी। अभी इसकी जेर बोलते हैं हमारे, वो नहीं आई है। इसको देखो, चुटकी वाइट भी है थोड़ी थोड़ी बीच से। इसके सिर पे छोटा सा वाइट टीका सा भी है। ठंड लग रही है इसको, इसके लिए बोलाओ ना। तो सुबह के 6:30 बज रहे, ठंड नहीं लगी? अरे अभी बच्चा, अभी वो आई, अभी हार्ड होंगे ना धीरे धीरे। 10 मिनट हुए इसको हुए हुए अभी। हार्डली 5 मिनट। रेट क्या है? ऐसे मत छूओ अभी तुम, मेरे हाथ तो गंदे ही है। रेट क्या है? छोनू उदेरा ठंडा लगा। इसका नाम क्या रखेंगे हम? नाम के लिए रिसर्च करनी पड़ी। यहाँ छोटा सा, तो वही तो कह रही थी मैं, इसका नाम हम सोच के रखेंगे थोड़ी देर बाद। ये देखो मैंने इसको ऐसे ढक दिया है अपने सुंदरू को। ये देखिए, ओए कौवा जुड़को, कौवा इसे साफ मत करो फिर गीली नहीं हो जाएगी। तो बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। इसके आगे वाली टांग देखो कैसे की है। और ये इसको ऐसे ढक दो, बस बस सो जा अभी तू, अभी ऊपर नहीं उठना है, अभी ठंड है सुबह सुबह। अगर ये फिर उठेगी तो फिर संभल जाते हैं बेटा, ये तो ये हट नहीं जाएगा इसका। कोई बात नहीं, अभी तो आएंगे हम थोड़ी देर में। इसके लिए वो बनाते हैं ना लालिमा के लिए, खाने के लिए इसके लिए गर्म पानी। बस ओए, लालिमा इतनी बस, बेचैनी इतनी बस, तो बाकी बस, बार भी नहीं हुई कभी। तो अकेली रहती है ये, इसको प्यार आए बेबी अपना। बस चलो बाय। तो फ्रेंड्स, लालिमा के लिए मैं गड़ानी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से गड़ानी बनाते हैं, गाय को बच्चा होने के बाद कैसे देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हम अपनी लालिमा के लिए गड़ानी तैयार कर रहे हैं। हम गड़ानी बोलते हैं जो बच्चा होने के बाद गाय को देते हैं। मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पर, और मैं इसमें गुड़ डालूँगी सब में पहले। ये देखिए मैंने गुड़ डाल दिया, इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, फिर हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा गुड़, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो है पर फिर भी थोड़े इसके मोटे मोटे से रह जाते हैं। ये ऐड की मैंने इसमें अजवाइन, 2 स्पून है ये लगभग, 2 स्पून ही मैंने इसमें मेथी डाल दी है, पीसी हुई मेथी अपनी घर की। 1 मिनट थोड़ा और चलने देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे हम, क्योंकि गाय को ये थोड़ा जल्दी देना होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये लालिमा के लिए रेडी हो चुका है। मैं इसमें हल्दी भी डाल दूंगी 1 स्पून, क्योंकि जो इंटरनल जो जख्म होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये हम 3-4 दिन इस टाइप का मिक्सचर ज़रूर देते हैं। और ये तारा मीरा भी मैंने डाल दी है ऊपर से 1 मुट्ठी। और ये है लालिमा का शुद्ध घी, लालिमा का घी लालिमा के लिए, लालिमा के लिए क्योंकि हम डेली खाते हैं इसका। और ये इसको देना तो बनता ही है, इससे इसकी वीकनेस भी दूर होगी। इसको थोड़ा ठंडा करके देंगे, थोड़ा हल्का सा तो गर्म चाहिए, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि इससे वो खा नहीं पाएगी इसको। ओए ओए नहीं सुंदरी,
देखो इसकी आईज देखो, इधर देख। काजल डाल के आई है पेस्ट्री, इसको खोल के ना फिर खाएगी तू। आज मुंह बांधा झुंझुरी का। रिलीफ। बस तो गंदी बात नहीं करना अभी थोड़ी देर के लिए। ये इसे देख रही है। इसकी मोरी चेंज करनी पड़नी है, खराब कर दी इसने। और ये लालिमा अपना टेस्टी टेस्टी गड़ानी पी रही है, इसको बहुत टेस्टी लगा ये खाने। पहले मैं ये साफ कर लेती हूँ, तब तक घास यहाँ पे डाल दिया मैंने। ये लो है, और ये आजकल के लिए बहुत ही गर्म होता है, अच्छा होता है। इसको हम डाल सकते हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि दूसरा हरा घास हम नहीं डाल सकते हैं अभी कुछ दिनों तक। ये ब्यूल ऐसा है जो ये मतलब पशु, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल सर्दियों के लिए ही होता है ये। और इसका अगर आपने हमारी पछोले वाली रेसिपी नहीं देखी होगी, उसमें भी मैंने ब्यूल के पत्तों का यूज़ किया था। आप आई बटन पे जाके वो देखना हमारी वो पछोले वाली रेसिपी। ब्यूल के पत्ते ही क्यों डाले जाते हैं? हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि इससे जेर जल्दी आती है, इसलिए इसको डालते हैं। क्योंकि लेशेदार होता है, इसमें चिकनाई होती है इस ब्यूल में। हाँ, इसको पशु बहुत पसंद करते हैं। इसकी जो ये लकड़ी होती है ना, इसको भी पूरा खा लेते हैं ये। बस लालिमा, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बच्ची खड़ी हो गई है। अभी 4.5 घंटों में खड़ी हुई है, बहुत टाइम लगाया इसने खड़े होने में, और अभी ये दूध पिएगा। चलो चलो इधर आओ, इधर। अभी तो पीने लग जाना इसने दूध, टाइम लगेगा अभी। पिएगी, खुला छोड़ना पड़ेगा इसको। ले पी ले चुंजरू, पी ले भाई, पी ले गुड बेबी। अरे वाह, सीख लिया इसने। हाँ, पी ले, नहीं भूखी रहेगी शाम तक फिर। हाँ, बार बार नहीं पिलाऊंगी तेरे को दूध में। हाँ गुड बेबी, डर गई। पी तो रही। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस टाइम पे गाय की खूब केयर करनी होती है डिलीवरी के बाद, तो काफ़ी टाइम लगा। और उसका सारा काम निपटाने के बाद मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ नहा धो के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।